दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का मैं अपने दिल से आप सभी का, जितने भी मेरे व्यूअर हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं अपने दिल से जो है सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और आज हमारा जो चैनल है वो 44,000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से जो है मैं आपको एक बात शेयर करना चाह रहा था, मगर मेरे जो है फैमिली में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था और उसके बाद में जो मेरा काम है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इस वजह से जो है मैं आपसे ये बात जो है शेयर नहीं कर सका हूँ। फिर भी अगर आपने मेरी रिसेंटली लास्ट जो दो वीडियो देखी होगी और उसका जो टाइटल आपने अगर पढ़ा होगा तो उससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने जो है अपनी एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग अब काइन मास्टर से की जगह जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट से शुरू कर दी है। यानी कि दोस्तों, मैंने जो है एक कंप्यूटर जो है वो परचेस कर लिया है। तो यही बात जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और कहीं ना कहीं वीडियो बना के भी मैं दिखाना चाहता था अपना जो भी सिस्टम मैंने लिया है, मगर जो है थोड़ा प्रॉब्लम है इस वजह से, जो कमरा में मैंने सेट किया है तो वहाँ लाइटिंग का बहुत प्रॉब्लम है और कोई भी मैंने जो है कोई स्टूडियो सेटअप नहीं किया है। नॉर्मल जो है मैंने अरेंज करके उसमें जहाँ मैं आसानी से बैठ के काम कर सकूँगा उस तरह से नॉर्मल सेटअप है। तो उसका जो है मैं आपको कुछ वीडियो फ़ोटो जो है आपको शेयर कर दे रहा हूँ, तो वो फ़ोटो आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों, आने वाले टाइम में मेरे जितने भी वीडियो अब आएंगे वो सारी जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट, सिनेमा 4D, ब्लेंडर जैसी एप्लीकेशन की मदद से ही जो है मैं बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन का जो एडिटिंग है मैं अभी तक सीखा नहीं हूँ, तो मैं जो है अभी सीखना शुरू कर रहा हूँ। बहुत सारे जो है वीडियो ट्यूटोरियल्स देख के इस तरह से जो है थोड़ा सा सीख रहा हूँ और आने वाले टाइम में जो है उन्हीं आइडियाज़ को मिक्स करके जो है मैं अपना कुछ कंटेंट क्रिएट करने वाला हूँ। तो छोटा छोटा वीडियो जो है मैं जो भी सीखूँगा और बनाऊँगा तो आपके साथ शेयर करते रहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप जो है आगे भी आने वाले समय में मुझे इस तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। दोस्तों, सिस्टम की बात करूँ, जहाँ से मैं जो मैंने कंप्यूटर लिया है तो ये मैंने अपना जो है पूरा यूट्यूब की अर्निंग है उसी से मैंने अपना सिस्टम जो भी कंप्यूटर है वो लिया है। मैंने एक रुपया भी अपनी जेब से इन्वेस्ट नहीं किया है अभी तक। यानी कि दोस्तों, अगर आप कैलकुलेशन करें, मतलब लास्ट मेरे को जो है पाँच महीने से जो है मेरे को यूट्यूब से अर्निंग आ रही थी, तो उसमें अगर मैं 5 महीने का कैलकुलेशन करूँ तो ये समझ सकते हैं कि वो यूट्यूब के अर्निंग से ही जो है मैंने ये सिस्टम लिया है। दोस्तों, इसमें और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि फ़िलहाल जो मैंने सिस्टम लिया है वो मैंने जो है इंस्टॉलमेंट के हिसाब से लिया है। यानी कि उसका जो भी प्राइस है उसमें कुछ पैसा जो है वो मैंने अभी पेमेंट कर दिया है और बाकी आने वाले 3-4 महीने में जो है वो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से मैं